अस्सलामुअलैकुम थार न्यूज़। दोस्तों, थार पार्कर के अंदर बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसील इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थार न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वक्त लाइव मनाजिर देख रहे हैं थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त थार पार्कर के अंदर बारिशों का सिलसिला बिल्कुल जो है जारी है। कहीं पे तेज़ बारिश तो कहीं पे हल्की बारिश हो रही है, और किसी किसी गांव में तो तेज़ तूफान के साथ बारिश इस वक्त जारी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एहसास कफालत या और कोई ऑनलाइन टिप्स जो है देखना चाहते हैं वीडियोज़, तो हमारा दूसरा चैनल आज़ाद ऑनलाइन टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें हमें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप लोगों को मैं थर पार करके लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थर के अंदर इस वक्त मौसम जो है वो मेघमलार मौसम बनी हुई है। हर तरफ जुड़ाली जुड़ाली है, हर तरफ जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, और उसी के साथ आसमानी बिजली की चमकाहट भी बहुत ही तेज़ हो रही है। तो कहीं कहीं विलेजों में कहीं कहीं पूरे बल्कि पूरी थर पार करके जब भी शाम का टाइम होता है थर पार करके अंदर, जब भी मगरिब के बाद जो है दोस्तों थर पार करके अंदर जो है रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो जाती है, जिससे कि अभी सावन का महीना आ गया है और जो है इस वक्त बारिशों की मौसम शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये दो तीन दिन से थर पार करके अंदर ये मौसम बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। आप लोग यहाँ पे लाइव मनाजिर देख सकते हैं, जिससे शाम का टाइम 2 बजे के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमेशा की तरह आज भी थर पार करके अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं बरसातों का खूबसूरत मंजर जो आप लोगों को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है एक अरबी समुद्र में एक और बारिशों का सिलसिला, एक हवाओं का जो दबाव बन रहा है जिससे तेज़ तरीन और ख़तरनाक तूफ़ान बन सकता है। वो तूफ़ान जो है इस वक्त उन तूफ़ान का जो रुख है वो बार बार तब्दील हो रहा है, लेकिन इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक उसका जो रुख है वो ओमान की तरफ है, लेकिन ओमान के साथ ओमान पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये जो है तूफ़ान आ भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो कब आएगा और कितना दिनों तक रहेगा, कितना उसमें नुकसानकार साबित हुआ है, जी हाँ दोस्तों, तो वो मैं आपको तफसीली वीडियो जल्दी बना के दूंगा। लेकिन उम्मीद जो है यही करते हैं कि वो हमारी तरफ नहीं आएगा, सिंध की तरफ रुख नहीं करेगा, क्योंकि सिंध के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उस जो है तूफ़ान को बर्दाश्त कर सके। वो तूफ़ान 15 मई से निकल रहा है और 30 मई के बीच में जो है किस किस इलाके को टारगेट करेगा, वो तफसीली वीडियो हम इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। इस वक्त आपको मैं खूबसूरत मनाजिर थर पार करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली बहुत तेज़ है और बारिश तूफ़ान भी तेज़ है, कहीं कहीं जो है बर्फ़बारी भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमें सब